नमस्कार, मैं हूं अर्जुन बिजलानी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली इंडियाज गॉट टैलेंट इंडिया का सबसे बड़ा शो है और मैं उसे होस्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूं। एक नया सफ़र शुरू हो रहा है मेरे लिए भी। क्या नहीं कर सकता हमारा देश, ये सारा टैलेंट जो है आपको शनिवार रविवार सोनी चैनल पर देखने को मिलेगा 8 बजे से। और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप बहुत एंटरटेन होंगे, एंजॉय करेंगे ये शो। और एक ऐसा शो है कि आप परिवार के साथ बैठ के, अपने बच्चों के साथ बैठ कर देख सकते हैं। एंड यू नो वो लोग भी इंस्पायर होंगे इस शो से कि लोग कितनी मेहनत करते हैं अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वी लिव इन अ कंट्री जहाँ मोर देन 50% यू नो इज़ यूथ, हमारे यहाँ बिलो द एज ऑफ 35। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शो है जो लोगों को देखना चाहिए। लोग इससे इंस्पायर भी होते हैं एंड बहुत मेहनत करते हैं लोग सालों साल एक ऐसा मंच पाने के लिए जहाँ पर वो अपने टैलेंट को दिखा सके। मौका नहीं मिलता है लोगों को, होता हुनर बहुत लोगों में है लेकिन मौका नहीं मिलता। आई थिंक इंडियाज़ गॉट टैलेंट की खास बात यह है कि ये लोगों को मौका देता है यू नो अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और उसके बाद जब लोग उन्हें पसंद करते हैं तब उनकी एक नई शुरुआत हो जाती है, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, जहां वो शोज़ करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। सो आई थिंक दिस शो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू पीपल्स लाइव्स, ना सिर्फ टैलेंट के लिए बट ऑल्सो द व्यूअर्स। लोग खुश होते हैं दूसरे की खुशी में, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब एक खुश यू नो एक हैप्पी परिवार की तरह इंडियाज़ गॉट टैलेंट को सेलिब्रेट करें। और उसे सेलिब्रेट करने के लिए उसे देखना ज़रूर पड़ेगा। तो आप हमारे इस सफ़र में हमसे जुड़िए शनिवार रविवार 8 बजे सोनी टीवी पर। और आज मकर संक्रांति है तो मैं सबको हैप्पी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। और मैंने आज पतंग उड़ाई है, बहुत बड़ी पतंग, आप दर्शकों को दिखा ही सकते हैं कि कितनी बड़ी पतंग है। वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की पतंग है, लेकिन ये पतंग तो फिर भी छोटी है, लेकिन इंडिया में जो टैलेंट है वो बहुत बहुत बड़ा है। आसमान शायद यू नो छोटा पड़ जाए, वो पतंग छोटी हो जाए, मतलब वो इतनी बड़ी पतंग हो जाएगी कि वो उड़ा नहीं पाएंगे हम, इतना टैलेंट है इंडिया में। तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा।